यहां पे जीरो है देखो है जीरो है पूरा जो है जीरो है ठीक है ये पहले का है अभी देख सकते हो यहां पर देखो यहां पे देखो स्टूडेंट का इस स्टूडेंट का रिजल्ट देखो यहां पे जीरो जीरो ना होकर के यहां देखो क्या है तीन सौ नब्बे नंबर है लेकिन गैज मैं आपको बता देना चाहूंगा ये फेक है ये फेक है क्या है ये फेक है इसको आप सच मत मान लेना ये तीन सौ नब्बे नंबर जो है ना ये सब एडिट करके डाला गया है कैसे क्या मेरे पास प्रूफ है तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ठीक है आप इसने जो है जिसने भी ये किया है ना यार चोर जो है ना हमेशा एक ना एक जो है गलती कर देता है ठीक है और उस गलती से जो है वो पकड़ा दे पकड़ा जाता है देखो ये यहाँ पर देखो आप थोड़ा गौर से देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जाम तो हेलो गाइज मैं युवराज सौरभ आप लोगों का एक बार फिर से ओपी स्टडी सोल्यूशन में स्वागत करता हूँ तो दोस्तों ये जो वीडियो है हमारे बिग के सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है दोस्तों जो भी हमारे जून जुलाई सेशन के स्टूडेंट है या फिर दिसंबर सेशन के स्टूडेंट है तो ये वीडियो जो है सभी के लिए खास होने वाली है तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रही है गाइज देख सकता है देख सकते हैं गाइज हमारे हाथ में आज देख सकते हैं कि रिजल्ट है ठीक है ना जिन भी स्टूडेंट का रिजल्ट जो है खराब हो गया पेंडिंग वगैरह हो गया कुछ भी हो गया फेल हो गया है जीरो मार्क्स हो गया है और इस बार जो है बिहार ओपन बोर्ड की तरफ से जो रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है उससे रिलेटेड आज जो मैं आप लोगों को बहुत बड़ा अपडेट देने वाला हूँ बहुत बड़ी खुलासा मैं आज करने वाला हूँ कि रिजल्ट के साथ क्या छेड़खानी की गई है सारा अपडेट है मेरे पास गाइज एक ही स्टूडेंट का दो दो रिजल्ट है मेरे पास ठीक है ना और इस रिजल्ट में इस वीडियो में मैं क्लियर कर देना आप लोगों को सावधान भी कर दूंगा क्योंकि आप भी फंस सकते हैं अगर यह वीडियो देख लीजिएगा तो आप बच जाइएगा ठीक है ना तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और वैसे स्टूडेंट जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मैं आपको पूरा अच्छे से दिखाऊंगा ठीक है ना बिल्कुल ही जूम करके दिखाऊंगा आपको फ्रंट में दिखाऊंगा आपको पूरा क्लियर दिखाएगा क्लियर दिखेगा कि क्या होने वाला है इस वीडियोज में ठीक है और आज की वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं गाइज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जून जुलाई सेशन 2022 के रिजल्ट से जिसका एग्जाम हुआ है और रिजल्ट चला है ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट का जो है रिज़ल्ट जो है ख़राब हो चुका है और रिज़ल्ट पेंडिंग हो गया है जीरो मार्क्स हो गया है बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है रिज़ल्ट में लेकिन अभी तक जो है रिज़ल्ट जो है सुधार नहीं हुआ है अगर सुधार भी किया गया है तो कैसा किया गया है क्या प्रॉब्लम है गैस बोर्ड की तरफ से मिस्टेक्स है स्टडी सेंटर वालों ने क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया है तो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ सारा ओपन हो जाएगा इस वीडियोज में आपकी जो प्रॉब्लम है समस्या है इस वीडियो में समाधान करने की कोशिश करूँगा तो चलिएगा इस वीडियो की शुरुआत करते हैं गैस जैसा कि आपको पता होगा मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को बताया कि रिजल्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ी की है बिहार ओपन बोर्ड के जो स्टाफ वगैरह हैं वो ढंग से काम नहीं करते हैं ठीक है ना और बिल्कुल ये सही साबित होता जा रहा है उनके बोर्ड की तरफ से जो है साफ़ तौर पे दिख रहा है कि लापरवाही बोर्ड जो है बिल्कुल ही लापरवाही लापरवाही कर रही है मतलब रिजल्ट जो है उन लोगों ढंग से तैयार नहीं कर रही है आपको मैं प्रूफ दिखाने वाला हूँ ना यार मेरे हाथ में प्रूफ है और मेरे हाथ में ऐसे ऐसे प्रूफ है ना यार जिसको देख करके आप लोग चौक जाओगे कि कि ऐसा भी हो सकता है यार ऐसे भी पॉसिबल ऐसे भी ऐसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी है ठीक है तो चलिए ये वीडियो की शुरुआत करते हैं गैस हमारे हाथ में जो है देख सकते हैं हमारे हाथ में जो है ये रिज़ल्ट है ठीक है ये देख सकते हो हमारे हाथ में ये रिज़ल्ट है और ये दोनों रिजल्ट जो है ना एक ही स्टूडेंट का है ये दोनों रिजल्ट जो है एक ही स्टूडेंट का है थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा आप वीडियोज़ को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको जो है पूरी पूरी नॉलेज मिले ठीक है ना आप वीडियोज को पूरा देखिएगा जिससे जिससे कि आपको जो है आपको पूरी नॉलेज मिले इस वीडियोज में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ठीक है तो चलिएगाज और जो जिनका भी रिजल्ट पेंडिंग हो गया है उसके बाद क्या कहते हैं फंस गया जीरो आ गया फेल कर गया कुछ भी हो गया ना तो सब सबके लिए वीडियो है ठीक है एक बार देख लो तो चलिए चलिएगाज खासा मैं आपको नज़दीक में ला दिखाऊंगा देखिए ये एक स्टूडेंट है आप देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा मैं आपको पूरा अच्छे से दिखा देता हूँ देखो एक बार आप इसको इस मार्कशीट को देख लो ठीक है वैसे मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट का ये जो डिटेल है वो पेंसिल से रंग दिया जैसे कि किसी की भी डिटेल जो है प्राइवेसी दिखाई नहीं जाती है तो मैंने रंग दिया ठीक है इससे को ये कोई मैटर नहीं करता ठीक है ये दो रिजल्ट है एक ही स्टूडेंट के हैं मैंने ये खुद से किया है ठीक है तो आप बोलोगे कि ये कैसे है? देखो देखोग यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जामिनेशन जून दो दिख रहा है आपको ठीक है और ये हमारे एक स्टूडेंट का रिजल्ट है ठीक है और इस स्टूडेंट का रिजल्ट यहाँ पर देखिए कुछ भी मार्क्स नहीं है जीरो जीरो एकदम बिल्कुल यहाँ पे जीरो है देखो ये जीरो है पूरा जो है जीरो है ठीक है ये पहले का है अभी देख सकते हो यहाँ पर देखो यहाँ पे देखो, देखो, देखो स्टूडेंट का इस स्टूडेंट का रिजल्ट देखो यहाँ पे जीरो जीरो ना होकर के यहाँ देखो क्या है तीन सौ नब्बे नंबर है लेकिन गाइज मैं आपको बता देना चाहूँगा ये फेक है ये फेक है क्या है ये फेक है इसको आप सच मत मान लेना ये तीन सौ नब्बे नंबर जो है ना ये सब एडिट करके डाला गया है कैसे क्या मेरे पास प्रूफ है तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ठीक है आप इसने जो है जिसने भी ये किया है ना यार चोर जो है ना हमेशा एक ना एक जो है गलती कर देता है ठीक है और उस गलती से जो है वो पकड़ा दे पकड़ा जाता है देखो ये यहाँ पर देखो आप थोड़ा गौर से देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जामिनेशन जून 2022 दिख रहा है आपको ठीक है उसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ पे देखो सिमिलर देखो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है देखो सेकेंड एग्ज़ाम जून दो हज़ार बाईस ये यार पॉसिबल ही नहीं है इस बंदे ने जो है बिल्कुल एडिट किया है और गलती ये कर दिया है फर्स्ट के जगह इसने जो है सेकेंड डाल दिया है देखो फर्स्ट के जगह जो है सेकेंड डाल दिया दिख रहा है यार देखो दिख रहा होगा तुमको मैं नज़दीक से ला दिखाता हूँ दिख रहा है सेकेंड एग्जामिनेशन जून दो मुझे लग रहा है दिख रहा होगा आपको ठीक है मैं क्लियर दिखा रहा हूँ वैसे कैमरे कैमरे में कभी कभी आता नहीं है ब्लर हो जाता है तो देख लो मैं आगे पीछे करके दिखा रहा हूँ ठीक है नहीं दिखेगा तो मैं जो है आपको क्या कर दूंगा वहाँ पे स्क्रीन शॉट लगा दूंगा इसका ठीक है तो यहाँ पे देखो सेकेंड एग्जामिनेशन जून दो और इसका मार्क्स एडिट करके ये डाल दिया गया तो देखा गया आप लोगों ने और ये कभी पॉसिबल ही नहीं है तो यार क्या ये रिजल्ट सच में फेक है हंड्रेड परसेंट फेक है मेरे भाई यहाँ पे अगर ये रिजल्ट होता ना फर्स्ट एग्जामिनेशन जून 2022 होना चाहिए ठीक है ठीक है तो ये रिज़ल्ट कैसे मतलब ये कैसे यहाँ पे देखो कुछ भी यहाँ पे सब एकदम बढ़िया से बढ़िया से आपको दिख रहा होगा ये सारे मार्क्स भी एकदम सही टोटली जो है जैसे आने चाहिए वैसे हैं और ये सब कुछ सही है लेकिन जो है बंदे ने जो एक मिस्टेक्स कर रखी है वो यहाँ पे सेकेंड डाल दिया फर्स्ट की जगह ठीक है यहाँ पे फर्स्ट होता है उसकी जगह सेकेंड डाल दिया है तो क्या मैं आपको बता देना चाहूँगा सतर्क और सावधान कर देना चाहूँगा ये जो है किसी स्टडी सेंटर वाले ने किया है ठीक है पहला जो गलती हो सकता है पहला जो मेरे को इसमें गलत लग रहा है ये तो एक ये स्टडी सेंटर वाला कर सकता है इसने पैसे दस बीस हज़ार रुपये लिए होंगे और बोला हुआ कि मैं आपका रिज़ल्ट जो है दे दूंगा ठीक है और हुआ क्या इस बंदे का रिज़ल्ट बिल्कुल जीरो आ गया तो ये बंदा एकदम फंस गया और ये लड़के ने बोला कि भाई मेरा रिजल्ट नहीं दोगे ना तो मैं उसने धमकी वमकी दी तो इसने एडिट करके ऐसा करके दे दिया ठीक है और ये जो है ना ये जो भी स्टडी सेंटर वाला है मेरी पूरी मतलब मैंने इसके बारे में पूरा रिसर्च किया है और ये जो है जी और मोबाइल नंबर देने से इनकार कर रहा था तो मैंने बोर्ड ऑफिस से जा के निकाल के इसका रिज़ल्ट वगैरह चेक किया तो देखो यार ये तो इसने दे दिया लेकिन अभी भी जब हम रिज़ल्ट चेक कर रहे हैं ना तो ये जीरो वाला देखो ये जीरो वाला आ रहा है मतलब नेट पे भी यही दे रहा है लेकिन ये बोल रहा है कि आपका रिजल्ट सही हो गया सुधर गया है और 10 दिन में 20 दिन में अपडेट हो जाएगा लेकिन भाई मेरे यहाँ पे साफ तौर पे वो झूठ बोल रहा है क्योंकि ये सेकेंड एग्जामिनेशन जून 2022 लिख दिया जबकि यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट होता है तो इसने क्या किया एडिट करके दे दिया बचने के लिए ठीक है और देखो ऐस तो मैं इस वीडियोज में क्या बताने वाला हूँ आपको यार देखो जो भी आप स्टूडेंट्स हो ना किसी भी स्टडी सेंटर वाले टीचर से आप एडमिशन वगैरह करवाते हो तो एक बार यार बढ़िया से सही से वो ढंग का है कि तुम्हारे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा है ना उसे अपनी सारी डिटेल ले लो और ख़ुद से चेक करने की कोशिश करो खुद से चेक करने की कोशिश करो कि सच में उसने करवाया है वहां पे होता है कि बोर्ड ऑफिस में जा करके यार दस बीस हजार रुपया खर्चा कर रहे हो तो बोर्ड ऑफिस में तुम्हारा कहीं भी बिहार से आओगे पांच सौ छह सौ रुपया लगेंगे आकर के वहां पे अपना डिटेल्स वगैरह चेक कर लो खुद से ठीक है नहीं तो लाइफ का सवाल है यार तुम्हारा ये रॉन्ग सर्टिफिकेट रहेगा कहीं भी जॉब लगेगी रिजेक्शन हो जाएगा फिर क्या फायदा तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा ठीक है ना तो ये सारी चीजें मैंने बता दिया ठीक है तो ऐसे ऐसे होते हैं यहाँ पे और देखो यार दूसरा पहला तो ये हो गया कि ये स्टडी सेंटर वाले ने जो है ये धांधली ली किया है ठीक है ना एडिट करके दे दिया है सच में ऐसा होएगा नहीं और वो क्या करेगा डुप्लीकेट मार्कशीट वगैरह बना करके उसको दे देगा ये सारी चीज़ें हैं ठीक है और दूसरा ये हो सकता है कि भाई बोर्ड एकदम लापरवाह है यहाँ पे बोर्ड एकदम लापरवाह है कुछ से कुछ कर रहा है उसको मतलब कि कुछ भी नहीं यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम एग्जामिनेशन देना चाहिए तो सेकंड एग्जामिनेशन दे दिया मतलब कि ये तो बिल्कुल यार रॉन्ग है ना कितनी बड़ी लापरवाही है बंदे ने जून में दिया इसको लिख दिया सेकेंड एग्जामिनेशन का मतलब होता है दिसंबर जो कि अभी दिसंबर वाला एग्जाम अभी जनवरी में होएगा हुआ भी नहीं है और उसका इन्होंने रिजल्ट छाप दिया बताओ अब ये मार्कशीट पे ऐसा छपा आएगा तो परेशान होगा ना बंदा परेशान होगा ना कि भाई मेरे मार्कशीट को उसको फिर से उसको क्या करना पड़ेगा मतलब कि एक अप्लीकेशन देना पड़ेगा कोरेक्शन करवाना पड़ेगा ज़िंदगी भर यही करता रहेगा क्या यार उसको एडमिशन भी नहीं मिल पाएगा तो ये बोर्ड भी एकदम लापरवाह है इनको क्या बोलोगे यार मैं सच में बता देने वाला हूँ इन पर मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ठीक है और इनको सुधार करना चाहिए ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए ठीक है ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियोज में आपको क्लियर कर दिया और क्या करो यार मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया ठीक है लेकिन आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी मैंने आपको सारा अपडेट दे दिया ठीक है और एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगा गाई जिनका भी रिजल्ट ख़राब हुआ है पेंडिंग हुआ है तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर आज मेरे ओट सुख रहे हैं मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया ठीक है ना पानी पी के नहीं आया मैं ठीक है लेकिन फिर भी चलो गए तो मैं आपको क्या बता रहा था हाँ पेंडिंग वाले जिनके भी स्टूडेंट के पेंडिंग आ गए हैं रिजल्ट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ गई है तो यार देखो रिजल्ट जो है ना जब तक तुम्हारा नेट पे अपडेट नहीं होगा तब तक तुम्हारा रिजल्ट क्लियर नहीं होगा ठीक है ना कोई भी बोलता है कोई भी अगर स्टडी सेंटर वाला टीचर अगर तुमको ये बोलता है कि भाई नेट पे जो है अपडेट नहीं हुआ है कुछ दिन में अपडेट हो जाएगा और तुमको ये ऐसा दिखा रहा है ना तो हंड्रेड परसेंट फेक है ठीक है फेक है वो तुमको जो है स्टडी सेंटर वाला तुमको क्या धोखा दे रहा है ठीक है तो ये समझ लेना ये सारी चीज़ें यार कोई नहीं बताएगा ठीक है ना ये मेरे अपने एक्सपीरियंस है और मैं काफ़ी दिनों से वर्क कर रहा हूँ तो ये लोग मुझे नहीं धोखा दे सकते तुम लोग ज़रूर फंस जाओगे लेकिन मेरे को नहीं फंसा सकते ये लोग तो ये है इस सबसे बच के रहना ठीक है, है और ये तुम्हारी लाइफ का सवाल है मैंने ये वीडियोस में इसलिए एक्सपो एक्सपोज कर दिया जो भी चीज़ें मैंने शेयर के बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है ठीक है रिज़ल्ट तो होता है लेकिन कोई काम का नहीं होगा ये ठीक है तो ये सारी चीज़ें बता दिया मैंने और इस वीडियो में मैं अपडेट देने वाला हूँ जिनका भी रिजल्ट पेंडिंग वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गया है तो यार ये बोर्ड वाले में जा के देखो घर पर बैठे से रहने से कुछ नहीं होगा ये लोगों का मनवानी चलता है तुम लोगों का हो सकता है रिजल्ट सुधार भी ना करे करेक्शन भी ना करे क्योंकि जो हमारा दिसंबर वाला हुआ था ना 2021 वाला अभी तक उन स्टूडेंट का प्रॉब्लम चल रहा है पेंडिंग कभी क्लियर ही नहीं हुआ है ठीक है ये इनका पेंडिंग मैक्सिमम चांस है कि पेंडिंग क्लियर नहीं कर रहे ये लोग ठीक है ना कुछ कुछ स्टूडेंट का हो जाता है मैक्सिमम तो नहीं होता है तो आप लोग जा कर के कंप्लेन कर सकते हो कि भाई मेरा क्यों नहीं कर रहे हो उनको जा कर के बोलना पड़ता है ये लोग पैसा खाते हैं और मुफ्त का जो है आयसमोज करते हैं ठीक है ना इन लोगों को जगाना पड़ेगा तुम लोगों को खुद से अपडेट रहो खुद से एक्टिव रहो जा करके बोर्ड ऑफिस में कंप्लेन करो कि आप मैंने अप्लीकेशन डाला है ठीक है मेरा रिजल्ट आप लोगों ने क्यों नहीं करेक्शन किया सुधार नहीं किया उनसे जा के मतलब बोलो मतलब कि स्ट्रेक्टली बोलो ठीक है ना तब तब जाकर के कुछ होने वाला है सब घर पर बैठे बैठे तुम्हारा नहीं हो सकता फस जाएगा रिजल्ट ठीक है दूसरा ये कर सकते हो तुम लोग कि दिसंबर सेशन का जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हो डेट बचा हुआ है क्या यार हम बचा हुआ है मेरे हिसाब से छब्बीस तारीख तक है छब्बीस तारीख तक है तीन सौ रुपया लेट फाइन के साथ है 26 तारीख तक जाकर के भर सकते हो ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं अगर परेशानी से बचना चाहते हो पेंडिंग अगर नहीं क्लियर हुआ क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है ठीक है तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दे दिया गया ठीक है तो इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहो उम्मीद करते हैं गाइज वीडियो पसंद आई होगी और ये ये वीडियोज़ बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है तो आप लोग शेयर सपोर्ट जरूर करें ठीक है ठीक है ना तो चलिए चलेगा इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे और वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए शेयर कीजिए मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू सो मच थैंक यू एक बार मैं दोबारा से दिखा देता हूँ देखो दिख रहा है तुमको और इधर देखो ये देखो देख लो भाई अगर नहीं दिखा होगा तो देखो जूम करके दिखा देता हूँ मैं देखा तो चलो थैंक यू